नहीं बिमला, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। यार छोटी बड़ी बात पे देव साहब को परेशान करना अच्छी बात है क्या? पर इसमें हर्जी क्या है? उन्होंने खुद सामने से मदद करने के लिए कहा था ना, तो एक बार बात करके देखते हैं। अरे नहीं, ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। तुम कैसे करोगी? फोन नंबर है तुम्हारे पास उनका? फोन नंबर ना सही, मुझे उनका ऑफिस तो पता है ना, मैं खुद मिलके उनसे बात करूंगी। मैं अपने बेटे के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगी। अरे I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। मैं आप चाह रहे हैं कि मैं विधि से बात करूं उस NRI लड़के के बारे में और ये जानूं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं आप लोगों को डायरेक्टली बोल रही? हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे वो कुछ बताती ही नहीं। हमारी सारी उम्मीदें बस आपसे ही है। देव जी, विधि आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए पता है कि आपकी बात वो नहीं टालेगी। विधि पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, हर बात पे बस सर हिला देती थी, पर आजकल कुछ बदल सी गई है। अचानक रोने लगती है, ना ठीक से खाती है ना ठीक से सोती है, नींद में बुखार में बस इस दफ्तर की और आपके बारे में बात करके कुछ बड़बड़ाती रहती है। समझती हूँ मैं, इस ऑफिस ने उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी है, एक आत्मविश्वास दिया है, खुद के पैरों पे खड़े होने की ताकत दी है, इसलिए उसके लिए आसान नहीं होगा इस ऑफिस से दूर जाना। लेकिन देव जी, ऐसे सोने जैसा रिश्ता रोज रोज नहीं आता है ना। ये क्या बात हुई कि घबरा के बस शादी के लिए मना कर दे? आप उसे समझाइए कि अब उसके माता पिता नहीं, वो लड़का ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी जिंदगी में पीछे नहीं, आगे अपने भविष्य की ओर देखिए। और अगर उसके मन में कोई और बात है तो वो आपको जरूर बताएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये क्या हो रहा है? विधि देव सर से प्यार करती है और उसकी माँ विधि से हाँ करवाने के लिए देव सर से ही मदद मांगने आई है। अब मुझे चलना चाहिए। विधि ने मुझे बताया था कि वो किसी एड एजेंसी में जाके यहाँ देर से आएगी, इसीलिए मैंने हिम्मत की यहाँ आ गई। मैं चलती हूँ, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो बहुत सारे सवाल पूछेगी। मैं वादा करता हूँ, हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। देव सर? हेलो सर। मिस विधि, क्या तुम मुझे ऑफिस आज के बाद मिल सकती हो? सर मैं अभी ऑफिस ही आ रही हूँ, अभी मिल लेती हूँ ना मैं आपसे। ऑफिस आज के बाद मिलो, कुछ पर्सनल बात करनी है। ओके ओके सर। ओके ऐसे अचानक से पर्सनल बात क्या हो सकती है? कहीं मेरी शादी की बात सुनकर देव सर अपने मन की बात बोलने के लिए मजबूर तो नहीं हो गए? जी जी, आप एक काम कीजिए, आप प्रपोजल भेज दीजिए, मैं देखता हूं। मैं क्या, मेरी भाभी आयुष हो? प्रिया रायचंद? नहीं नहीं नहीं, सास था ना, वो गलत फहमी हो गई। नहीं, उनका कुछ लेना देना नहीं बिजनेस के साथ, वो डील नहीं करेंगे। अच्छा, कहाँ? ओके जी जी, ओके ऑलराइट, ठीक है मिस्टर, थैंक यू। Thank you very much.
हेलो, हाँ देव बोलो। माँ मैंने आपसे कहा था ना, ये प्रिया जो अचानक बदली है, ये सारा नाटक कर रही है, ये अंबा करवा रही है उसे। हाँ तो मैंने भी तो यही कहा था ना कि वो। शांति से मेरी बात सुनिए। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ। अंबा, संगीता दी, संगीता दी, संगीता दी। अरे विधि, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। इतने दिनों से मेरे पेट में जो दर्द है कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही। आपको याद है, आपने मुझसे पूछा था कि कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? तो आज मैं आपको उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, असली जवाब, एकदम सच्ची मुच्ची वाला। हाँ, मैं देव सर से प्यार करती हूँ। और संगीता दी, आज ना ये बात मैं देव सर को बता दूंगी। हाँ विधि, तुम्हें अब इस बारे में देव सर से खुल के बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुम अपने साथ साथ किसी और इंसान की भी जिंदगी परेशानी में डाल दोगे। अम्बा, तुम जानती हो ना, हमारे घर में घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। फिर तुमने प्रिया को अपने बिजनेस में शामिल क्यों किया? एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे देव ने कहा था कि प्रिया का जो ये बदलाव है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारी तरफदारी की। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? देव तुम्हें अच्छी तरह जानता है। मैंने देव, जो भी किया वो सब देव के लिए ही तो था। देव के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप सब कितने परेशान थे देव के फ्यूचर को लेकर, उनकी शादी को लेकर। चित्रा भी यही कहती रहती थी, तो मैंने सोचा थोड़ी मदद कर दूं। इससे मदद करना नहीं कहते अम्बा, इसे दूसरों के घर में दखल अंदाजी करना कहते हैं। तुमने हमारे घर की परंपरा को तोड़ा है, बस। नहीं, मैंने सिर्फ इस घर के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने आपको पहले बताया नहीं, और उस गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। फिर भी आपका दिल दुखाया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विधि, घर नहीं गई अभी तक? वो देव सर ने मुझे रुकने के लिए कहा है, उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। देव सर ने सच में कहा है या तुम्हारे मन का कोई खेल है? उन्होंने सच में कहा है रुकने के लिए। ओके, मैं जा रही हूँ, जाते हुए गार्ड को बोल के जाना। ओके, बाय। सर को ऐसी भी क्या बात करनी होगी? अभी तक सर कैबिन से बाहर भी नहीं आए। हाँ, कहीं संगीता दी ने देव सर को
हेमा मिलापिनी, मैं उन्हें फोन करके पूछती हूँ। इजरी? हाँ, हाँ सर। बैठो, बैठो, बैठो। बैठ जाऊँ? नहीं मतलब खड़े भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं बैठने वाला मतलब। I'm fine sir. Okay. मैं एक्चुअली वो पर्सनल बात तुमसे कुछ करना चाह रहा था। हाँ सर, लेकिन आपने कहा था ना ऑफिस के अंदर पर्सनल बात नॉट अलाउड। राइट, तभी मैंने कहा था कि ऑफिस आज के बाद, ऑफिस छूट गया ना, सब लोग चले गए ऑफिस। तो तुमने मुझे वो सलाह दी थी ना कि मुझे वो बाल घर वाली बात अपनी माँ को बता देनी चाहिए, तो मैंने वो बता दी। ओ, तो ये बात करनी थी? नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा किया सर आपने, आपने बहुत अच्छा किया। तो अब मैं चलूं? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी करनी है बात मुझे। अच्छा। मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा था कि बच्चों के सामने भी जाना चाहिए, वो भी गया मैं, है ना? तो तुम जो चाह रही थी वो मैंने किया, राइट? तो तुम छोटी हो मुझसे, बहुत छोटी हो इनफैक्ट, है ना? तो मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरी एक सलाह मानो। कौन सी सलाह सर? राइट, वो एनआरआई लड़का जो तुमसे वो मिलना चाह रहा था ना शादी के लिए, उससे मिल ली तुम? पसंद आया? नहीं मतलब, हाँ मतलब नहीं सर, वो पसंद वाली बात नहीं है। मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अब तुम्हारी बारी है। मतलब मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी बात मानने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो जो लड़का है ना, जहां तक मुझे तुम्हारे पापा ने बोला है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, दिखने में अच्छा है, सपोर्टिव है ना, एजुकेटेड है, और तुमने अभी कहा कि वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, है ना? और वो शायद तुम्हें पसंद भी करता है, और तुम्हारे मॉम डैड दोनों उसे पसंद करते हैं, और तुमने भी कहा कि वो उसमें प्रॉब्लम है नहीं कोई, है ना? और वो चाहता है कि तुम वो जो मैनेजमेंट वाला जो कोर्स वोर्स, अगर तुमको कुछ बाहर करना है तो वो उसके लिए भी तुम्हें वो सपोर्ट करेगा, है ना? और तुमने कहा कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? तो जब सब ठीक है तो ऐसी ऐसी कौन सी वजह है जो जो तुम्हें लग रही है कि मतलब तुम मना कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? सर आप जानते हैं कि वजह क्या है? वो वजह सही है या गलत, ये फैसला आपका है सर। आपको पता है मेरे दिल में क्या है? सर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी कोई भी बात कभी नहीं टालूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी सर। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे उस एनआरआई लड़के से शादी कर लेनी चाहिए,
कि मैं उसे हाँ कह दूँ। तुम्हें कह दूंगी सिर्फ आपके कहने पे। I'm sorry, sir. सर मुझे ना खुद से कई ज्यादा विश्वास आप पर है। आप पर यकीन करती हूँ मैं कि आप कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सॉरी सॉरी सर। सॉरी सर। मैं सीधी चलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास, उन्हें बताने कि तुम तैयार हो। मुझे लगा था आज आप अपने मन की बात बताएंगे सर, लेकिन आपने तो मेरे मन की बात भी अनसुनी कर दी। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है विधि, लेकिन मैं तुम्हें एक इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल रिश्ते के लिए तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करने दूंगा। चलते हैं। बेबी, मुझे तो तुम अपना फैसला सुना चुकी हो, बट अपने पेरेंट्स को भी बता दो। विधि शादी करने को तैयार है। अच्छा, हे महामिलाप नहीं, धन्य हो तुम, धन्य हो। देव जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास था, ये चमत्कार आप ही कर सकते हैं। अरे मुंह तो मीठा कराओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। लेके आओ। अब वो शक्कर ही थी। पहले देव साहब को खिलाओ ना। हाँ। पहले अपने पेरेंट्स को खिलाओ। अरे प्लीज प्लीज। सच में मैं बहुत खुश हूं। हे महामिलाप ने, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा। अब इस परिवार की खुशियां बस यूं ही बनी रहे, कोई भी संकट निकट ना आवे। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहां, ये सब
आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी जा नहीं रहे, आ रहे हैं। एक्चुअली आज रात हम लोग आपके यहाँ रुकने का सोच रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ना उम्र की सीमा।